तो ये देखिए हमारी गियर की कार्बिन, इसका जो प्रेशर बार है 200 से जस्ट ऊपर थोड़ा सा, या 200 ही मान लीजिए उतने पे है, और हम इनकी पावर टेस्टिंग करेंगे अपनी PX100 के साथ में, जो कि इसका भी आप पावर प्रेशर देखिए 200 पे, हमने दोनों 200 पे भर के लाया हुआ है हॉर्नेट पैलेट से। हम इन पे पीपों पे इनकी पावर टेस्टिंग करेंगे, तीन पीपे हमने रखे हैं फिलहाल, चलिए देखते हैं तीन तीन शॉट चला के पास से, हम क्योंकि पावर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम पास से चलाते हैं। ये देखिए इसकी लोडिंग कुछ ऐसी होती है, इसमें सिंगल शॉट की ट्रे लगी हुई है हमारी, ये हॉर्नेट का पहला शॉट हम यहाँ से चलाएंगे पास, सेम डिस्टेंस से हम दोनों को चलाएंगे। ये देखिए तीन शॉट चलाने के बाद ही हम रिजल्ट देखेंगे तीनों का क्या बना है हॉर्नेट का। सेम डिस्टेंस से हमने चलाया है, चलिए इसका रिजल्ट पहले देख लेते हैं, क्योंकि एक साथ ही देखते हैं, ध्यान दीजिए एक साथ ही देखते हैं हम अब PX100 से भी चला लेते हैं, और PX100 के लिए चलाने के लिए हमें मैगजीन भरनी पड़ेगी तीन राउंड की हॉर्नेट पैलेट की, क्योंकि इसकी सिंगल शॉट की ट्रे अभी हमारे पास नहीं है, ना हम यूज करते हैं उससे ज़्यादा। तो हमने इसके अंदर तीन शॉट डाल लिए हैं, और इसमें हमारा सप्रेसर भी नहीं लगा हुआ है फिलहाल। कुछ तो गड़बड़ है हॉर्नेट पैलेट में ही होती है, जो कि चलिए ट्राई करते हैं, हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा नीचे चलाएंगे, डिस्टेंस हमारा सेम है, नीचे वाले हमारे PX100 के तीनों शॉट हैं, और ऊपर वाले हमारे जो तीनों हैं, आइए आपको रिजल्ट दिखाते हैं हम कैमरे से। ये देखिए ये जो ऊपर वाले हैं ये हमारी गियर कार्बिन के हैं तीनों शॉट, और नीचे वाले हमारे तीनों PX100 के हैं, तो ये इसमें से एंट्री कर गए हैं फर्स्ट वाले में से, और छहों के छहों पीछे से निकले हैं। और देखिए PX100 सेकेंड पीपे पर तक नहीं पहुंच पाया है, इसने डेंट दिया है, फाड़ नहीं पाया है गियर कार्बिन, कंपनी स्प्रिंग पे ये इसको फाड़ के चली गई है, और एक तो पीछे भी फाड़ के गया है गियर कार्बिन का, और एक अच्छा खासा डेंट है, और एक डेंट ये रहा आप लोगों के सामने, और जो इसको फाड़ के गया है वो तीसरे पीपे को भी गियर कार्बिन फाड़ के गई है। दोस्तों देखिए ये तीसरा पीपा है, इसमें से भी एक को ये पार कर गई है, और तीसरे में पीछे डेंट दिया है, ये गियर कार्बिन है, प्रेशर सबका सेम था,